Hey guys, welcome back to my channel Fashion Mix Fashionable. Guys, इससे पहले तो मैं सिर्फ क्लॉथ्स के ही डिज़ाइंस लेके आती थी. आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप मेहंदी के डिज़ाइंस भी अपलोड करें, सो मैं अपलोड कर रही हूँ. गाइस, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी के डिज़ाइन सेट किए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. और कोई भी इसमें हार्ड नहीं है गाइस, सारे के सारे ईजी हैं. आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो. अगर आपको लगाना नहीं आता है तो आप देख के भी ट्राई कर सकते हैं, अपने ही हैंड में लगा सकते हैं. क्योंकि गाइस, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको तो छोटे मोटे काम आने ही चाहिए. आप अगर अपने ही हैंड में ट्राई करेंगे बार बार तो आपके जो है फिनिशिंग जो है वो आने लगेगा. इसमें बहुत ही फैंसी डिज़ाइंस दिए गए हैं और बहुत ही ईजी भी है और यूनिक भी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो. गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए बोर मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन सेट किया गया है. और गाइस, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके. गाइस, इस तरह की डिज़ाइंस भी आप बना सकते हो. सिर्फ जैसे कि आप देख रहे हो, ये चैन टाइप का डिज़ाइन है. बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए गए हैं, जो आप इस तरह के डिज़ाइंस लगा के आप कोचिंग, ऑफिस या फिर कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं. बिल्कुल भी हेवी नहीं लगने वाला है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ज़्यादा हेवी मेहंदी लगाने के बाद कॉलेज या फिर कहीं कॉलेज ऑफिस या कोचिंग जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि हाथ में मेहंदी लगा हुआ है कुछ ज़्यादा ही. तो इसी वजह से इसमें आप चाहें तो अपने लिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन ट्राई कर सकती हो. जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिर्फ इसमें एक ही उंगली, दो ही उंगली में डाला गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है. गाइस आप चाहें अगर हाथ में लगाना नहीं तो आप जो है अपने कोई भी पेपर में हाथ का शेप बना सकते हो, और उस शेप में जो है आप मेहंदी लेकर के आप ट्राई कर सकते हो, यानी लगाने का तो आपको आ जाएगा लगाने. अब गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा ज़रूर. आपको जो डिज़ाइन अच्छी लगती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद आप अपने हाथ में, या फिर मैंने जैसे बताया पहले कि आप कोई भी पेपर में अपना हाथ का शेप बना के उसमें आप ट्राई कर सकते हो, तो आप उस तरह कर सकते हो. मतलब शुरू शुरू में तो आपको उतना फिनिशिंग नहीं होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे दो बार चार बार ऐसे ट्राई करने पर वो डेफिनेटली बाद में फिर फिनिशिंग भी आ जाती है. गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ. और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या जिसको मेहंदी लगाने आती है. गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.